डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको पावर पॉइंट 2010 में कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे और उनको कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कुछ प्रेजेंटेशंस तैयार किए हुए हैं, हम हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे हम हमारा जो भी बिजनेस है, जैसे मान लीजिए हमारी मोटर कार का शोरूम है, हम इसका बिजनेस करते हैं, तो हम इससे रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड है हमारी, जैसे हमने यहाँ पर सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के एजुकेशन के नाम से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसमें हमने यहाँ पर इसकी हेडिंग दे दी, कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, प्लस यहाँ पर जो भी क्लासरूम है हमारी या उसमें हम जो भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसकी हमने यहाँ पर एक फोटो एडिट की। इसी तरह से हमने यहाँ इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया। तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम इनमें बना सकते हैं। और भी प्रेजेंटेशन हमने बनाए हैं यहाँ पर, जैसे यह है होंडा मोटर्स का, होंडा मोटर्स के ऊपर हमने बनाया कितना परसेंट डिस्काउंट है, किस तरह की गाड़ी है, कौन इसका प्रोड्यूसर है, वो सारे नाम हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सेकंड हमने यहाँ पर बनाया जैसे आशीर्वाद भवन के ऊपर, इसमें हम किस किस तरह की चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं या उसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरी प्रेजेंटेशन है यहाँ पर सॉफ्टकॉम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर बनाई है। इसमें भी हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन फोटोज हमने यहाँ पर एडिट की है। सेकंड प्रेजेंटेशन है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड .com सुपर कार्स, हमने यहाँ पर कुछ कार्स के मॉडल एडिट किए। इसी तरह से हमने तीसरा बनाया रिलायंस रेलवे कॉरपोरेशन के ऊपर, इंडियन रेलवे का यहाँ हमने नक्शा दिया, हमने ट्रेन का यहाँ पर एक फ़ोटो दिया और इस तरह से हमने यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाया। तो हम हमारे अकॉर्डिंग जैसे भी प्रेजेंटेशन हमें बनाने हो वो हम पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम और यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं अभी, मान लीजिए हमें कोई क्लिनिक के ऊपर बनाना है, मेडिकल हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो हम यहाँ पर टॉपिक दे देंगे, जैसे हम लिख देंगे डॉक्टर का नाम, को हम कलर में चेंज करना चाहें टेक्स्ट को कलर दे देंगे। हम इसको बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर इसके आगे और भी जो टाइप करना चाहें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, बोल्ड करके इसकी साइज बढ़ाएंगे
कलर दे देंगे, उसके बॉक्स में हम कलर फिल कर देंगे। इसके बाद हम कुछ यहाँ पर क्लिप आर्ट से या फोटोज एडिट कर देंगे। यहाँ पर हम एड्रेस वगैरह टाइप कर देंगे, जैसे हम क्लिप आर्ट ले लेंगे इसमें। जैसे एक क्लॉक यहाँ पर हम रख देंगे। और हम यहाँ पर इनके जैसे एड्रेस वगैरह लिखना चाह रहे थे, हम वो भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। हम इसमें टेक्स्ट की साइज बढ़ा देंगे। इस तरह से हम हमारे अकॉर्डिंग जो भी स्लाइड में बनानी है, हम प्रिंटेशन इसमें बना सकते हैं।